ना ही किसानों को MSP मिल रही है, ना किसान को गेट पास मिल रहा और ना फसल रखने के लिए जगह, ना मंडियों में बारदाने की व्यवस्था है, ना उठान की, ना मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ढंग से चल रहा है और ना ही नमी नापने की मशीन ढंग से चल रही है। ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आज शाहबाद, पीपली, पानीपत, समारसा आदि अनाज मंडियों में किसानों की परेशानी देखकर उन्होंने यह प्रतिक्रिया दी। कुरुक्षेत्र से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। तारीख से जो इन खरीद करी थे उसकी पेमेंट अब तक नहीं हुई किसान की, कहाँ जाएगा किसान, और इसका कटौती भी ज़्यादा है, तो किसान को हर तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि 72 घंटे में पेमेंट हो जानी चाहिए थी, जो लिफ्टिंग चल रही है और जो आवक होनी है सारे हरियाणा की, मेरे ख्याल में आवक की 5% भी अभी खरीदनी हुई है, जबकि पूरे अभी तो मेरे ख्याल में हाँ सारी सड़कों पे अनाज पड़े हैं और बेचारा किसान रात को अपने अनाज में सो रहा है, ये बड़ी दिक्कत की बात है। और जो सरकार का ये क्लेम है कि एक एक दाना खरीदा जा रहा है, बिल्कुल गलत है, किसान परेशान है, MSP से भी कम बिका, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी वो पोर्टल में समस्या है, पोर्टल में समस्या है क्या करी गई है ये तो जाने, पहले हमारे समय में क्या पोर्टल था, 72 घंटे पेमेंट होती थी, पोर्टल में समस्या, इतना पेमेंट तो हो किसान की, ये कोई जरिया तो बनाए, तुरंत इसकी पेमेंट किसान की करनी चाहिए। और जिस प्रकार से